आदरणीय अमित शाह जी नमस्कार। एक आम बंगाली होने के नाते मैं आज आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरा कोई जरिया नहीं है आप तक मेरा आवाज पहुंचाने का, फिर सोशल मीडिया का जरिया ही इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, इस उम्मीद से ताकि मेरी ये आवाज आप तक पहुंचे। हम बंगालियों ने बंगाल से आपको 18 सीट जितवाए लोकसभा चुनाव में, बड़े उम्मीद के साथ जितवाए कि हमारे सुख दुख में आप हमारे साथी होंगे। बंगाल के उन्नयन में आप भी हाथ लगाएंगे, पर ये कोरोना वायरस हमारे आंखें खोल दिए है। अब जब कोरोना के लिए पूरा देश थर थर कांप रहा है, पूरा बंगाल कांप रहा है, बंगाल के लोग अपने जनप्रतिनिधि को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं ताकि उन्हें जरा सा मदद मिल सके जनप्रतिनिधि से, पर 18 के 18 सांसद है कहां, कोई दिखाई नहीं दे रहे। इंसान जब सबसे बड़ा खतरे का सामना कर रहा है, जूझ रहे हैं खतरे का, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि है कहां, सोशल मीडिया में भाषण दे रहे, सौमित्र खान, दिलीप घोष, बाबुल सुप्रियो, ये लोग सोशल मीडिया में भाषण दे रहे हैं, पर मान्यवर हमें भाषण नहीं चाहिए, आप विश्वास कीजिए, हमें राशन चाहिए, हमें राहत चाहिए, नहीं मिल रही है हमें। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इधर उधर दौड़ दौड़ के लोगों के पास जा रहे हैं, और आपके सांसद, आपके नेता उनको कटाक्ष कर रहे, उनको गालियां दे रहे। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, लोगों को सावधान कर रहे हैं, और आपके नेतागण सोशल मीडिया में भाषण दे रहे कि ममता बनर्जी ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है, पुलिस का काम ममता बनर्जी क्यों करेगी, काउंसिलर का काम क्यों करेगी, क्यों नहीं करेगी। हर एक जनपद प्रतिनिधि बंगाल के हो चाहे देश के कोई भी कोना के हो, वो जनगण का सेवक है, जनगण का सेवा करने के लिए उनको चुना जाता है, ऐशो आराम करने के लिए नहीं, ठंडा घर में बैठ के सोशल मीडिया में भाषण देने के लिए नहीं। ममता बनर्जी वही कर रही है जो उनको करना चाहिए इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, पर आपके नेतागण ऐसा नहीं कर रहे। बंगाली लोग ये सब चीज अच्छा नजर से नहीं ले रहे, बंगाली को बोका मत समझिए, हम बुद्धू नहीं है, बुजदिल नहीं है, हम सब समझते हैं। बंगालियों को इस कदर मत देखिए कि उनको जो समझाया जाए वही वो समझेंगे, नहीं साहब आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। मान्यवर आप पढ़े लिखे हो, आप राजनीति समझते हो, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अपने जो नेतागण है, नेता लोग है, उनको बोलिए काम करे तो करे, ना करे तो कम से कम चुप रहे, जो काम कर रही है उनका आलोचना ना करे। बंगालियों के इस घोर दुर्दिन में जिस शख्स ने बंगालियों के बगल में खड़ा हुआ है, उनके पास खड़े हुए हैं, उनका बदनाम कोई भी बंगाली, चाहे वो सीपीएम करता हो, चाहे वो तृणमूल करता हो, चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे वो बीजेपी करे, कुछ भी करे, बंगाली ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, कर भी नहीं रहे हैं। इसीलिए आपके पार्टी के अंदर ही आवाज उठ रहे हैं आपके नेतागण के खिलाफ, ये आवाज को समझिए, ये आवाज बहुत दूर तक आपको सुनाई देगी, ये गूंज आपको अगले साल भी सुनाई देगी। सावधान हो जाइए, सावधान कीजिए अपने नेतागण को, या तो काम करे या चुप रहे। आपको एक छोटा सा निवेदन करके मैं अपना वक्त खत्म करूंगा।
आप कृपया अपने नेतागण को बोलिए लोगों के पास जाए, इस दुर्दिन में ये आफत में लोगों के सामना करे, सोशल मीडिया में भाषणबाजी मत करे, या तो वो सिर्फ चुप रहे। क्योंकि आपके नेता जब भी बोलते हैं ना, उनका मुंह से गाली निकलता है, गाली। और बंगाली संस्कृति में ये गाली चलता नहीं है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर को जन्म दिया है बंगाल, स्वामी विवेकानंद को जन्म दिया है बंगाल, ये बंगाल गालीबाजों के लिए नहीं है। ये उनको जरा समझा दीजिए। कोरोना वायरस से दूर रहिए, घर पे ही रहिए, घर से काम कीजिए जैसा आप कर रहे हैं, और देश के जनता को जागरूक करने के लिए आपके जो नेतागण हैं उनको जरा चुप कराइए। धन्यवाद। एक आम बंगाली को तरफ से प्रवीर विश्वास।